जय श्री कृष्णा। ये जैसे कि मेरा चल रहा है जिसमें मैं आपको अनोखे सूत्र बता रहा हूँ ज्योतिष के, जो प्रेडिक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसका पार्ट नंबर 10 है। 9 पार्ट हो चुके हैं, तो काइंडली आप उनको देखिए। प्रेडिक्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। आज बता रहा हूँ मैं आपको कालपुरुषी कुंडली के बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम सोचते हैं कि ग्रह एक किसी भाव के लिए ये ग्रह अशुभ है या किसी भाव के लिए ये ग्रह शुभ है, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर यह ग्रह बैठेगा तो अशुभ फल देगा। जैसे नॉर्मली मिथ होता है, जैसे नॉर्मली एक ये हम लोग कहते हैं कि तीसरे छठे और ग्यारहवें भाव में, तीसरे छठे और ग्यारहवें भाव में, 3, 6, 11 भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो अच्छा होता है, तो प्लस होता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि ये अशुभ भाव हैं 3, 6, 11, और इन अशुभ भावों में अगर अशुभ भी ग्रह बैठा होगा, कहते हैं कि मतलब डॉन को पकड़ने के लिए डॉन टाइप का ही बंदा चाहिए, तो तीसरे छठे ग्यारहवें भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठे हों तो आपको अच्छे फल देते हैं, और अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो वो अच्छे फल नहीं दे पाते, वो अशुभ हो जाते हैं। या 3, 6, 11 भावों के स्वामी भी अगर शुभ ग्रह हों तो भी वो अच्छे फल नहीं दे पाते। लेकिन बाई चांस मैंने यहाँ मैं कहता हूँ कि यहाँ पे शुक्र बैठा है तो छठे भाव में बैठा है, लेकिन यहाँ पर शुक्र डिस्काउंट करेगा, ठीक है, बहुत अच्छे फल नहीं करेगा लेकिन ठीक फल करेगा। वो क्यों करेगा ऐसा? वो इसलिए कि कालपुरुषी कुंडली देखने वाली बात है, क्योंकि शुक्र के लिए ये राशि, सॉरी, शुक्र यहाँ पर काफ़ी खराब फल करेगा। मैं उसको वैसे उल्टा भूल गया आपसे, क्योंकि इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी कौन कौन से भावों का स्वामी कालपुरुष में कौन कौन है। जैसे सूर्य है, यानी सूर्य अगर जब भी पांचवें भाव में कहीं बैठेगा, चाहे वो अष्टम का स्वामी हो या कहीं का भी स्वामी हो या शनि की दृष्टि हो, तो सूर्य हमेशा अच्छा फल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सूर्य कालपुरुषी कुंडली में पांचवें भाव का स्वामी होता है। इसी प्रकार शुक्र मीन राशि में, यहाँ अगर शुक्र यहाँ बैठ जाता है, सपोज़ कीजिए, नॉर्मली शुक्र को 12वें हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि शुक्र जो है कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से मीन राशि में उच्च का हो जाता है। तो यहाँ कोई भी राशि हो, यहाँ अगर इसको हम लगा देते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, अब यहाँ पर आप देखिए शुक्र आपका 11वें भाव का स्वामी है और 4थे भाव का स्वामी है, तो कुंडली के हिसाब से ये ग्रह शुभ नहीं है आपके लिए। नैसर्गिक शुभ जरूर है, पर कुंडली के हिसाब से तात्कालिक रूप से ये शुभ ग्रह आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसके पास 11वां भाव है और 4था भाव है, केंद्र का भाव है, और दूसरा भाव त्रिज्याय भाव है, जो कि शुभ भाव नहीं होता, और ये लग्न का मित्र भी नहीं है, इसलिए ये हमें कुंडली में अशुभ ग्रह कहलाएगा। लेकिन इसके बावजूद शुक्र अगर यहाँ बैठा हो तो भी अच्छे फल दे जाएगा, जबकि होना ये चाहिए था, क्योंकि ये अशुभ भाव का स्वामी है, तो शुक्र अपनी दशा अंतर दशा में अपने इस भाव के जिन जहाँ बैठा है वहाँ के फल अच्छे नहीं देगा, क्योंकि शुक्र 2 अशुभ भावों का स्वामी है। बट इसके विपरीत यहाँ अच्छे फल दे जाएगा, क्यों? क्योंकि शुक्र यहाँ पर कालपुरुषी कुंडली में 12 नंबर राशि आती है, और शुक्र 12 नंबर राशि में मीन राशि में उच्च का हो जाता है। तो ये बात ध्यान देने वाली आपके लिए बहुत जरूर होती है। अब जैसे बुध है, अब मैं यहाँ पर आपको बुध बैठाते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर इसी कुंडली में बुध का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ बुध आ गया, तो बुध इस कुंडली में अगर आप देखें तो बुध यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी है, उसके बाद 3rd भाव का स्वामी है, तो बुध के पास 3rd हाउस है और 12वां हाउस है, ये 2 हाउस बुध के पास हैं, तो दोनों हाउस ही अशुभ हाउस कहलाते हैं, इसलिए बुध इस कुंडली में फंक्शनली मैलेफिक हो गया, यानी तात्कालिक रूप से अशुभ हो गया बुध इस कुंडली में, क्योंकि उसके पास दोनों ही भाव खराब हैं। लेकिन बुध अगर इस कुंडली में 6ठे भाव में बैठा हो तो इतने खराब फल नहीं करेगा, बिकॉज बुध की राशि यहाँ पे आती है और कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से बुध की उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर होती है, या स्वय राशि उसकी यहाँ पर होती है, बुध की अपनी राशि होती है, ये उच्च राशि भी कहलाती है बुध की, मूल त्रिकोण राशि भी कहलाती है। तो इसलिए कहीं भी जब आप कभी फल देखें, ग्रहों की प्लेसमेंट देखें कि भाई आपकी कुंडली के अंदर ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं या वैसे बैठे हुए हैं, और आप एकदम ये अर्थ ना निकालें कि भाई ये तीसरे और छठे भाव का स्वामी है
या इसके पास दोनों भाव अशुभ हैं तो ये अशुभ हो गया, उसका देखें उसका प्लेसमेंट कहाँ है ग्रह का। अगर वो प्लेसमेंट उसकी कालकृषि कुंडली के हिसाब से अच्छा है तो वहाँ पर उतना बुरा फल वो नहीं करेगा, आपको डिस्काउंट दे देगा और फल थोड़े ठीक हो जाएंगे। अशुभ ग्रह होते हुए भी आपको डिस्काउंट दे देगा और फल थोड़े ठीक हो जाएंगे। अब जैसे हमने आपसे कहा कि शनि, शनि की दृष्टि हमेशा बहुत खराब होती है, पाप ग्रह की दृष्टि पाप हमेशा पापी होती है, शनि जहाँ दृष्टि डालेगा उस भाव की हानि करेगा। लेकिन कुंडली के अंदर आप कहीं भी देखें कि शनि की दृष्टि अगर 10वें और 11वें भाव पे है तो उतनी हानि नहीं करेगा, क्योंकि 10वें और 11वें भाव का मालिक शनि बनता है कालपुरुषी कुंडली में। और ये कहा जाता है कि अपने भाव पर डालने वाले ग्रह, दृष्टि डालने वाले ग्रह अपने भाव की वृद्धि करते हैं। तो शनि अगर यहाँ पर कहीं बैठा हो और वो इस भाव पे या इस भाव पे दृष्टि डाल रहा हो, 10वें भाव पे डाल रहा हो, जैसे मैं यहाँ बैठा देता हूँ शनि को, तो शनि की 7वीं दृष्टि इस भाव पे है तो देखने में लगता है कि शनि इस भाव के रिजल्ट्स को खराब करेगा, इस भाव के रिजल्ट्स को हानि करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि इस भाव का स्वामी भी बनता है कालपुरुषी कुंडली में, 10 नंबर का स्वामी भी बनता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको देखने वाली होती है। अब जैसे सपोज़ कीजिए कि आप चंद्रमा को लेते हैं, अब चंद्रमा यहाँ पर हम बैठाते हैं, ये इस वाले भाव में बैठाते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर आप देखें तो इसका लग्नेश है, चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है और त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली के लिए अति शुभ है, लग्नेश भी है और साथ में त्रिकोण भाव में बैठा भी है। बट एक्चुअली में उतने अच्छे फल नहीं मिल पाते, बिकॉज चंद्रमा जो वृश्चिक राशि में, इस राशि में कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से नीच का होता है, और इस राशि में वो नीच का होने की वजह से यहाँ पर वो उतने अच्छे फल नहीं कर पाएगा, फलों में थोड़ा कम कर देगा। तो देखा आपने कि किस तरह से ग्रह अपने नेगेटिव फलों में डिस्काउंट करते हैं, अपने पॉजिटिव फलों को कैसे वो थोड़ा कम कर देते हैं, ये डिपेंड करता है कालपुरुषी कुंडली में। तो जब भी आप कभी ग्रहों की प्लेसमेंट देखें तो ये जरूर देखें कि कालपुरुषी कुंडली में इस भाव में कौन सा आ रहा है। अब जैसे ही आप देखेंगे इस कुंडली में देखें शुक्र, तो आपको दिमाग में एकदम आना चाहिए कि यहाँ पे 12 नंबर राशि आती है, तो शुक्र यहाँ पे अच्छा, शुक्र का भाव ये है नहीं। अब जैसे शुक्र यहाँ पर बैठा है 11वें भाव में, अब इस भाव में बैठा है, तो यहाँ पर शुक्र बैठा है तो आप कह सकते हैं कि हाँ शुक्र के रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं तात्कालिक रूप से अशुभ होते हुए भी, क्योंकि शुक्र की ये अपनी राशि है, स्व राशि है, वृष राशि, वो अपनी राशि में बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट देखें तो उसको हमेशा कालपुरुषी कुंडली से लिंक करने की कोशिश करें, और देखें जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है कहीं कालपुरुषी कुंडली में वो उस राशि का, उस राशि में नीच का तो नहीं होता या उस राशि में उच्च का तो नहीं होता। तो अगर ऐसा होगा तो आपको ठीक फल मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो बुरे पाप ग्रहों की दृष्टि है, अगर वो कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से उन भावों को मिल रही है जिन भाव के वो स्वामी होते हैं, तो वहाँ दृष्टि भी डिस्काउंट कर देगी, उतना बुरा प्रभाव नहीं करेगी, थोड़ा फल अच्छा देगी, मान सकते हैं कि 50-50% अच्छा फल देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आपको ध्यान देना होता है, कालपुरुषी कुंडली एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आशा करता हूँ आपको ये ठीक लगा हुआ लेक्चर लगे, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।